हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगासन के चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खान पान से संबंधित विषय के बारे में। दोस्तों कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिन वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि टाइम से खाना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए, हर चीज टाइम से करना चाहिए। टाइम से करेंगे तो आप जीवन में बहुत तरक्की कर पाएंगे। लेकिन मैंने तो ऐसा देखा है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो टाइम से ना उठते हैं, ना खाते हैं, ना सोते हैं, ना पीते हैं, और वह अच्छे खासे व्यक्ति बन जाते हैं। एक समय के बाद ऐसे सुधर जाते हैं जैसे कि उनमें अचानक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वे लोग जो सालों से सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनके साथ क्या अन्याय हो गया। तो इसी टॉपिक पे कई लोग कहते हैं कि खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए, एक घंटे बाद पानी पिए, इससे आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। खाना पचाने वाले जो अग्नि होती है वह प्रज्वलित रहती है खाना खाने के बाद। अगर आप उसके अंदर पानी डाल दोगे तो अग्नि बुझ जाएगी, खाना भी धीरे धीरे पचेगा। अरे हमारे पेट में अग्नि चल रही है, खाना बुझ जाएगा तो भाई खाना तो हम गीला खा रहे हैं, उसको खाना खाने से भी बुझ जाना चाहिए। देखिए अब बात करते हैं रियल में। देखिए होता क्या है कि जो हम खाते हैं, जो हम सोते हैं, उठते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, जो पढ़ते हैं, और जिस तरह का हमारे घर में वातावरण है उसी के अनुसार हमारी प्रवृत्ति होती है। हमारा घर में जो सिस्टम है उसी के अनुसार हमारी क्रियाएं चलती हैं। लेकिन खाने की बात करें तो हर व्यक्ति का पचाने का प्रक्रिया जो होता है वह अलग अलग होता है। खाना सबका पचता है और सब खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइमिंग फिक्स। जब आपको भूख लगती है तब आप खाइए, आप कुछ भी खाएंगे वो पचेगा। जब आपको नींद आता है तब आप सोइए, आप कितने भी थके हो, कितने भी डिप्रेशन में हो, आपका शरीर स्वस्थ रहे। आपको जब लगे कि आपकी नींद पूरा हो गया तब आप। तो हर व्यक्ति का जो भोजन पचाने की प्रक्रिया होती है बिल्कुल अलग होती है। कई लोग खाना खाते खाते पानी पीते हैं और उसके बाद उनका खाना जो है बड़ा आराम से पच जाता है। कई लोग खाना खाने के कुछ घंटे बाद पानी पीते हैं तो उनका खाना पच जाता है आराम से। तो अब हो क्यों रहा है ऐसा? देखिए किसी व्यक्ति के अंदर पचाने की जो क्षमता होती है बहुत जबरदस्त होती है। तो अगर वह व्यक्ति खाना खाए और पानी न पिए तो बहुत जल्दी उसका खाना पचेगा, उसका भूख बढ़ेगा, और भूख जब बढ़ेगा तो उसके पेट में जलन होने लगेगी जो कि एसिड बनाना शुरू कर देगा, और एसिड बनाना शुरू कर देगा तो पचा हुआ भोजन जो है फिर से अनपच में चला जाएगा। फायदा क्या हुआ? तो आपने तो वीडियो में देख करके ये सुन लिया कि अरे भैया ये तो बोला था कि खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, इससे क्या होता है कि खाना आराम से पच जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। अब कई लोग क्या होता है कि खाना खाते हैं और खाते खाते पानी पीते हैं तो उनका जो पचाने की प्रक्रिया होती है बड़ा धीमा होता है। तो उन दौरान वो खाते हैं, पानी पीते हैं, नहीं पचता है, नहीं पचता है। तो फिर सब लोगों ने क्या किया कि अपने अपने दिमाग में अवधारणा बना ली। किस चीज की अवधारणा बना ली? कि भाई खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे क्या होता है कि खाना नहीं पचता है। कई लोगों ने अवधारणा बना ली कि भाई खाना खाने के आधा घंटे एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए, खाना पचता। तो इस तरह से जिन जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी उन लोगों ने वैसी वैसी धारणा बना ली, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका एक समूह बन गया, कम पचने वाले का और ज्यादा पचने वाले का, खाना खाते हुए पानी पीने वालों का, खाना खाने के बाद पानी पीने वालों का, इन सबके जो है ग्रुप बन गए। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी प्रकृति के बारे में जानना पड़ता है। आप एक महीना दो महीना करके देखिए कि खाना खाने के बाद आपको कितने घंटे बाद पानी पीने के बाद आपको खाना पच जा रहा है, नहीं पच जा रहा। अगर नहीं पच रहा तो आप उसे छोड़ दीजिए। दूसरे व्यक्ति वह जो खाना खाते हुए पानी पी रहे तो उनका नहीं पच रहा, तो फिर आप ये देखिए कि भाई खाना खाने से खाना खाते खाते जब मैं पानी पी रहा हूँ तो नहीं पच रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है। और कई लोग खाना खाते खाते पानी पी रहे हैं और उनका खाना अच्छे से पच रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रकृति यही है। आप खाना खाइए, पानी पीजिए और मस्त रहिए।
अगर आपका खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आधा घंटे बाद पानी पी रहे हैं और आपका पच रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रकृति यही है, आप उतने देर बाद पानी पीजिए और मस्त रहिए। तो इस तरह से आप जो है अपने भोजन को कीजिए, और जब आपको भूख लगे तब खाना खाइए, नींद लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज आपने जाना कि ऐसी दिमाग से गलतफहमी और अवधारणाएं निकाल दीजिए कि खाना खाते खाते पानी पीने वालों का खाना नहीं पचता है, और खाना खाने के बाद आधा एक घंटा बाद वालों को पानी नहीं पचता है। तो इसके लिए आपको यह प्रक्रिया करके देखना पड़ेगा 1-2 महीना, तब जा करके आपको पता चलेगा। 15 दिन में ही रिजल्ट पता चलने लग जाता है कि क्या सिस्टम है, खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है। तो इस तरह से आप खाइए पिए और मौज रहिए, और दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे ध्यान मत दीजिए कि भाई खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, मैं तो भाई खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीता हूँ, और आपने सुन लिया अरे भाई मैं भी आधा घंटे बाद पीऊंगा, और पता चले आपका खाना ही नहीं पच रहा, और पहले आप खाना खाने के बाद पानी पी रहे थे और अच्छा खासा पच रहा था। तो आपका जो प्राकृतिक है वो ठीक था, और आपका जो प्राकृतिक था वो ठीक था। तो अपने अपने प्राकृतिक में रहिए, दूसरे की प्राकृतिक में इंटरफेयर करने से क्या होता है कि प्राकृतिक में तूफान आ जाता है। अब तूफान आंधी तूफान आता है, तो भाई आंधी तूफान में तो आदमी बेचैन ही होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के। जब तक लिए इस नियम को समझिए, फॉलो कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही लॉजिकल बातें आपको बताता है।